दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे मनीष और आज मैं यहां आया हुआ हूं। आप देख सकते हैं वुडन सीनियर्स क्लब है, वुडन सीनियर्स क्लब। चलिए देखते हैं यहां क्या एग्जीबिशन लग रही है। आहा हा, देव भाई है। देव भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? यू सीम टू बी वेरी बिजी। या चेकिंग कोड? या मैं अभी कर रहा हूं। और क्या चल रहा है यहां पे? द आर्ट एग्जीबिशन एंड द योगा has been organized by the CMA, which is pretty good. And Canberra Malayalees Association? Yeah. Very nice. And that given a pretty good platform to everyone to show their arts and all. And hope so it should be success. मुझे आवाज आ रही है, बड़ी रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। चलिए आर्ट्स, तो आप लोग आ सकते हैं। Very nice. वाह, अरे वाह, ये देखिए क्या बात। आपको नजारे दिखाते हैं। रेशमा जी हैं। रेशमा जी, नमस्कार। नमस्ते, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। क्या बढ़िया आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है। थैंक यू सो मच। आप, मैं तो सब जगह पूरा देखना चाहूंगा, लेकिन चलिए बताते जाइए। आप टेक मी ऑन अ टूर। ओके श्योर। गॉडेस दुर्गा का किया था मैंने। क्या बात। एंड इट्स मोर अबाउट her being, how she destroys the evils and the colors and why that I wanted in that painting. That's how I used it, and it's been sold. The original painting has been sold. Oh, sold? Yes. And that's a print. That's a COVID related one that I've done, wherein I feel even if any pandemic comes in, women won't give up. So that's how I did that one. Wo aapne portray kiya hai. And this is Kathakali, another original one which is sold. So that's more about Kerala. Yeah, but this is a print of exactly the original one. And that's a hibiscus flower which I have done with ink colors. Okay. This is one of the drawing which is very closest to my heart, is because this is the one from 27 May 2020, that incident happened in Kerala, wherein the mother elephant had the pineapple, which was kept by the farmers to protect the fields from wild boars. And unfortunately, the mother elephant had the pineapple and it had crackers in it, which burst in her belly, and which, so she and her baby did both die. So that's something which I have dedicated to the mother elephant and baby. I could see the feelings in there. बहुत बढ़िया। And that's sacred tree. Sacred tree is Vat Purnima, where the Maharashtrian people perform. They have a festival for all the married women. So that actually is the banyan tree as a sacred one. And this is just happened like this. And these are all dot paintings which is done. बहुत बढ़िया। इतनी बढ़िया आर्ट एग्जीबिशन मैंने शायद पहली बार कैनबरा में देखी है, वो भी हमारे। थैंक यू टू CMA फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म। CMA के प्रेसिडेंट रोशन जी हैं कहीं। रोशन भाई, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यू पुट अप अ नाइस आर्ट एग्जीबिशन, वन ऑफ द फर्स्ट इन कैनबरा बाय एन इंडियन एसोसिएशन और बाय इंडियन कलाकार। कितनी मेहनत लगी? हाउ टू एक्चुअली हमारा तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करना था, बट आई एम रियली सरप्राइज दैट वी हैड इन अवर स्मॉल कम्युनिटी दिस मेनी आर्टिस्ट। एंड लाइक अनफॉर्चुनेटली इट वॉज इन अ हरी बरी, वी डिडंट नो दिस थिंग्स, बट लाइक इट वॉज सो गुड टू सी सो मेनी पीपल टर्निंग अप एंड देन अमेजिंग पिक्चर्स। आई विश ऑल द इंडियन कम्युनिटी जस्ट दिस एंड सपोर्ट द आर्टिस्ट इन कैनबरा, एस्पेशली इंडियन कम्युनिटी। देयर इज लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट इन आवर इंडियन कम्युनिटी। बिल्कुल। ये तो शुरुआत है, आगे भी और पिक्चर अभी बाकी है। किसी को तो पिक्चर और बनेगी, किसी को तो शुरू करना है। रोशन भाई ने बॉल रोल कर दिया है, आगे ये और सबको। आपकी पेंटिंग कहाँ है? मेरा पेंटिंग नहीं है, मैं तो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। दूसरों को आप पेंट करते हैं। वेरी नाइस। हमारे साथ है आपका शुभ नाम? निर्मल। निर्मल जी,
हाँ जी बोलिए। आप भी कलाकार हैं या मैं नहीं हूं, आप रोशन को वाइफ के साथ आया हूँ। अच्छा उनका जो नेचुरल इंस्पायर्ड अरे वाह जो है अरे वाह अच्छा आपकी वाइफ किधर है? वाइफ ये बात कर रहे हैं उनसे। अच्छा अभी जो लोग मतलब आ रहे हैं आप वाइफ के पास रहिए। अच्छा अच्छा चलिए तो आप कौन इंस्पिरेशन आर यू द इंस्पिरेशन आपको देख के बनाती है? मैं तो ये नहीं बोल सकता कि मैं एक इंस्पिरेशन हूँ उनके लिए, लेकिन शी गेट्स इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड शी विजिट्स अ प्लेस, कहीं जाती है वो मन में आ जाता है वो तस्वीर वो अच्छा वो पोर्ट्रेट हाँ, ये मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिक्चर पेंटिंग नहीं है ऐसा लग रहा है। ये जो जगह है हमारा पिछला जो वेकेशन था बेटमेंट्स बे में उधर से देखा उन्होंने और उन्होंने फिर बनाया। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये जो है ये बिहार का मधुबनी आर्ट जो ये मधुबनी आर्ट मैं खुद बनारस से हूँ आई कैन रिलेट टू दैट बहुत बढ़िया। उनका नाम विभा है नमस्कार विभाजी वेलकम टू रेडियो मनपसंद एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव डन वंडरफुल जॉब आई कैन सी लॉट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। आई वाज आस्किंग निर्मल जी व्हाट इज योर इंस्पिरेशन कब आपको लग व्हेन डू यू फील लाइक आई नीड टू पेंट समथिंग? आई हैड द फीलिंग राइट फ्रॉम आई शुड से राइट फ्रॉम माय वेरी चाइल्डहुड फ्रॉम माय वेरी अर्ली एज आई यूज्ड टू पेंट अ लॉट बट देन आफ्टर सम टाइम इट गॉट स्टैग्नेंट एंड आई वाज आउट ऑफ टच फॉर सो मेनी इयर्स then I started again after like few years back I started again Yeah. Who is a great artist in your family like father mother or anybody one of my uncle used to paint but not in a very extensive but he had talent actually bahut badhiya and you want to continue? Of course I want to. How long it takes to make a painting like I'm seeing the type of painting which you're doing. Yeah. For example, this one doesn't take much time, but for this one, it took many days actually. It took days for this one. It's a sort of called Madhubani. Yeah. Because it needs a lot of concentration. Do you close the doors? Don't talk to me. Something like that? No, nothing like that. Nothing like that. So no, you get distracted very easily, or you just? No, I don't get distracted. I love painting, so it doesn't matter. Whatever happens around me doesn't matter to me. So lovely. It's just about what you like, and you know. Absolutely. Are these for sale or? Yeah. Someone wants people. Taken. You haven't got a price tag. No, I don't. You don't want to put a price tag. I don't want to put a price tag. Yeah. Thank you, Vibha. Thank you. Thank you, Nirmal ji. Or he should be your inspiration. Not really. When are you going to make a painting of Nirmal ji? She doesn't do human portraits. Human do. I'm the portraits. बस ये ऐसे जो natural तस्वीरें हैं वो बढ़िया. All the best. Thank you so much. Oh hi, namaste. Welcome to Radio Manpasand. I'm Manish. Hi Manish, I'm Somya. What are your creations? So I created half of these when a couple of years ago. Yep. SomyaCreates.com. Yeah, you got your own website? Yeah, that's my website. Okay. And I put my artworks there and also creates. And so these are all oil paintings that I did on paper and I framed them, but these are like oil or soft pastels. Yeah. So this one I went to the Yarralumla Yacht Club and I painted there. Like I went there physically and I looked at the scenery and I painted. And you loved it. Yeah, it was really awesome. It has come out very nicely, beautiful. Thank you so much, thank you. Yeah, and this one is just like a picture that I looked at and then I painted. So what you see and you paint it. Yeah. You've got beautiful eyes to see thank something. You. Yeah, thank you. You don't need a camera. Very yeah, nice. Thank you. It has come out nice. Yeah. I really what inspires you to paint such beautiful paintings? Well, I've always been interested in painting because it's just something that's come naturally to me. And I've always been passionate about it and I would like to take it as a career as well. That just keeps me going, I guess. How long it takes to make one painting? It depends on the size and
the details of the picture. For example, this one, it took about 2 hours, and this one took about 2 weeks. 2 weeks? 2 weeks, but is that long? That is, it's long for me. What keeps you motivated? Like, sometimes you feel, oh, I'm a bit tired. Yeah. Let me stop. Does it? Yeah, no. I just like thinking about looking at the end picture. I look at the end, how I look at the picture and how I can show it. And I want people to see how I look at the picture. So that keeps me going, so that I can paint it and then they can see how I see it. Beautiful. You want to make a future, your career out of this? Yeah, I really do. I've been thinking about it and want to go into design or art. Something like that, so yeah. It's so wonderful to see young generation coming into this. Glad to be painting. Good on you. Thank you. Thank you, Soumya. Coming Thank on so Radio much. Is it? That's me. Are you the parents? Yeah. Oh, lovely. Nice meeting you. Nice You've got a beautiful daughter. It's good. Thank you. Do you Hindi? I can speak Hindi a little. Okay. Let's Hindi mein baat karte hain. So, kiske matlab genes hain is Soumya mein? अभी भी वो सोच रहे हैं कि कहाँ से आ गया मैं और मैं शुभा मैं राम शुभ अभी मैं तो आईटी में हूँ अच्छा शुभा इज इन चाइल्ड केयर हम सोच रहे थे कि कहाँ से आ गए कि इतना सो छोटी बच्ची से वो अपने आप से ड्राइंग करने सीख रही है यहाँ पे लैवेंडर आर्ट स्टूडियो में सीख रही है अच्छा और फिलहाल अपने आप कर देती है वीकेंड पे होमवर्क के अलावा बाकी जो टाइम मिलता है अच्छा शी डस इट सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर वेरी नाइस तो कब शुरुआत की कब लगा कि ये आर्टिस्ट बहुत छोटी बच्ची थी बहुत तंग करती थी और हम सोच रहे थे कैसे उनको बिठा सकते हैं एक जगह पे और एक श्री कृष्ण जी की एक पेंटिंग था और स्केच उसमें कलर डालने के लिए शुरुआत थी वो उसमें एक प्राइस मिल गई उसको अच्छा थर्ड स्टैंडर्ड पे ईयर टू शायद सेकंड और ईयर थर्ड स्टैंडर्ड पे उसके साथ उसको बहुत इंकरेजमेंट मिली उससे स्कूल से भी इंडिया में और जब यहाँ आए थे यहाँ भी बहुत ज़्यादा इंकरेज दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिस इंकरेजमेंट इज समथिंग दैट्स बहुत बढ़िया है सो थैंक यू वेरी मच गुड टू सी पेरेंट्स हु आर नॉट पुशिंग देयर किड्स इनटू द डॉक्टर इंजीनियर बनो Something different. अपना जो दिल करता है वो करो अरे वाह मैंने पिक्चर ली थी बीच जैस्पर पे अच्छा उसका एग्जैक्टली रेप्लिका एकदम बहुत बढ़िया मैं तो वही बोला शी इज गॉट ब्यूटीफुल आईज कैमरा की जरूरत नहीं है शी कैन जस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इट इज थैंक यू सोमिया थैंक यू द लवली पेरेंट्स ऑल द बेस्ट प्राउड पेरेंट्स आर सुशील लगे रहिए ऑल द बेस्ट चलिए दोस्तों और वाह क्या बहुत बढ़िया पेंटिंग्स हैं चलिए काफी तो सोल्ड हो गई दैट्स वेरी नाइस वाह और हमारे साथ हैं आर्टिस्ट सिंधु नायर जी वाह सिंधु जी नमस्कार वेलकम टू रेडियो मनपसंद और गुड टू सी सच ब्यूटीफुल आर्ट आउट डे कुछ एक्सप्लेन करेंगे बताएंगे कि क्या क्या है ये सफेद फ्लावर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली ये जो पेंटिंग्स आज हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं ये बेसिकली इसमें से जो भी फंड रेज होगा वो COVID-19 इंडिया रिस्पॉन्स यूनिसेफ 100% उस पर डोनेट करने के लिए है और इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड वेरी एनकरेजिंग कि हम लोग को ये एक प्लेटफॉर्म मिला ताकि हम अपना आर्ट डिस्प्ले कर सकें और एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर जब COVID-19 शुरू हुआ था और लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम पेंटिंग करना शुरू किया था और उसके बाद सबसे पहले छोटे कैनवस पे किया उसके बाद फिर थोड़े बड़े कैनवस पे किया और इस तरह क्या कहते हैं हम लोगों ने मतलब एक अपनी जर्नी शुरू कर दी मैं और मेरी फ्रेंड हमने एक छोटी सी कंपनी भी खोल ली है उसका नाम अच्छा। है SNS हैंड क्रिएशन सो श्रीलक्ष्मी एंड सिंधु वो दो एस उसका मतलब यही है SNS हैंड क्रिएशन सो या बेसिकली लाइक ये
फ्लावर पेंटिंग है, ये एक्रिलिक पेंटिंग है। अच्छा। और जनरली लाइक मैं स्पेयर टाइम पे ये बनाती हूँ, और कभी लाइक डिपेंड्स की अगर कभी कुछ जल्दी बन जाता है जैसे, और कभी स्पेयर टाइम पे जब भी पेंटिंग करने का टाइम मिलता है तो कई पेंटिंग विल टेक 6 मंथ्स, कई पेंटिंग जैसे वो गणेशा पेंटिंग टुक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। अच्छा। और आज मौका मिला इधर डिस्प्ले करने का। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि कोविड में लोग नेगेटिव चले गए, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर कर आई और आपके अंदर जो कि आर्ट थी वो निकल कर आई। कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग बनाने में? मतलब अगर मैं डिपेंड करता है, जैसे अगर जैसे कोई ऑर्डर मिलता है और वो लोग बोलते हैं कि उनको मतलब 5 दिन में चाहिए तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसे एक दिन में कम से कम 3-4 घंटे। अभी मेरा, मैं भी बहुत एक्सपर्ट आर्टिस्ट नहीं हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है धीरे धीरे। फिर वो माइंड का भी वो होता है कि पेंटिंग मैं उसी टाइम करती हूँ जब मेरा माइंड कम्प्लीटली पेंट करने को करता है। अदरवाइज अच्छा। जैसे अगर मैं बिजी हूँ और मुझे लगे कि मुझे पेंट करना है तो नहीं हो पाता, तो डिपेंड करते हैं। कई पेंटिंग 4 दिन लेते हैं और कई अगर पड़े 6 महीने लग जाते हैं। अच्छा। तो या डिपेंड। पेंटिंग करने में या आर्ट करने में बड़ा मतलब एक अंदर से भावना आती है, बहुत भावना आती है, और अपना जो डिटेलिंग का जो वो होता है ना, और चीज़ों को सबसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने की जो क्या बोलते हैं उसको, जो एक एक वो इंटेंशन होता है ना टू मेक समथिंग रियली परफेक्ट, वो एक बात आ जाती है। तो वो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वो चीज़ हम लोग फिर सारी चीज़ों में अप्लाई करने लगते हैं, अपने काम में भी हमें लगता है कि लाइक ओके give it your 100%, so then it's like a finished product. तो पेंटिंग करते समय क्या आप अपने कमरे में बंद हो जाती हैं और किसी से बात नहीं करना, फोन स्विच ऑफ करना? हाँ, वो ऐसा रहता है क्योंकि अगर मैं पेंटिंग कर रही होती हूँ तो मैं अपना एक मिरर स्पेस में खो जाती हूँ और मैं कलर्स में ही खो जाती हूँ कि ऐसे ऐसे मुझे शेड्स करने हैं और that. अच्छा। बहुत बढ़िया सिंधु जी, आप ऐसे ही लगे रहिए बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम सो इंस्पायर्ड, सो हैप्पी टू सी। Yeah, thank you so All much. All the best. Yeah, Take care. Reshma ji, हमारे साथ कौन है? She's my work colleague and my good friend, Debbie. Hi, Debbie. Hi. Welcome to Radio Manpasand. Thank you. I came because Reshma. Oh, you're supporting Reshma? I am supporting Reshma. Oh, she's Reshma. A beautiful artist. Oh, I know, stunning stuff. I just can't believe how much amazing pictures and artists that you have in your community. I would never have known about this and come to this without Reshma telling me all about it. So I love learning about new cultures. So she's teaching me some of the stuff about North India and South India and all that, and food. She feeds me. Yeah. Which painting did you like the best, or it is hard to choose? There's a lot that I like from every single one. I can't choose. I really can't choose. They're just beautiful. And the colors. Amazing colors. Yeah. Wonderful. Enjoy the... Thank you. And stay safe. You too. Bye-bye. Mere saath hai Angeline. Angeline, congratulations. You've got a beautiful pictures out here. Let me see them first. Wow. Kya baat hai. So nice. Beautiful creation. Is baare mein bataiye. Tell me... About all these portraits, do you call it portraits or just art? Just art. I did all these during school, so this art style is what I normally stick with, but this one that I'm very comfortable with. These two are actually finger paintings, so I did them in practical. This one's an acrylic painting, so I had to create a range of different tones and things to create this image. And for this picture, I had to look at the object and not look back at the paper and try to do this. So that was pretty challenging. Beautiful. What inspires you? Is your mom and dad, anybody who has... Yeah, my parents inspire me, and also like looking at different like pictures of people and drawing them. Like I actually enjoy that. So how long you been painting? Since your childhood or? Since I was very young. So I think like preschool or kindergarten or something.
and it's taken me a lot of practice to get to this stage. So yeah. Do you want to make a career out of it, or you want mom and dad is pushing you to become a doctor or engineer? I think I'll take art as a second job or like a side career. Yeah. Good on you. Carry on, please. लगे रहिए. Mom and Dad, आपका नाम, शुभ नाम? Yeah, I'm Dijo. Prabha. She was doing good from her childhood onwards, but normally she didn't keep that picture properly. She just destroying after that, something like that. So we think this is a big opportunity to promote her. For CMA has organized a very well platform. Mm. All of them too. It's a good platform. Absolutely. This is something unique which I have never seen before. Yes. Because artists don't get a chance to showcase their the work. Yeah, 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 because generally hum log Bollywood or dances or she got the ability to do that. This is only few pictures. She was much better than this picture, but just unfortunately we couldn't keep that for some situation before. Chaliye badhiya. Good to see parents like you. They should get inspired that we should promote our kids to get into the art, in the art and exhibit, isn't it? Yeah, thank you. Thank you. Lage rahiye. All the best. Thank you. See some beautiful pictures. Dolphins at the dusk. Wow. Tired eyes, deep sighs, waiting for. Wow. Bada achhe. Taglines भी दिए हुए show all your true colors and blue in and out. और इसकी करता रहता है हमारे साथ हिमानी शर्मा जी. हिमानी जी, नमस्कार. Welcome to Radio मनपसंद. कैसी हैं आप? और हमें अपनी आर्ट पेंटिंग की जर्नी पर ले चलिए. क्या क्या है? अगर देखेंगे ये सारी चार लेडीज के अगर मैं बात करूं, अच्छा, तो ये फोटोज मेरे रूप है. आप ही के रूप है. Except for the dolphin one, which is like, yeah, because I wanted to move something from all the face arts or something. Yeah, so that's the dolphin one. But yeah, so I paint these whenever I get time from my PhD life. अच्छा, PhD life. आप PhD कर रही हैं? Yeah, I'm in the final year of my PhD. किस doing PhD in maths. Maths में? और so I get time sometimes in the evening, sometimes on weekends. So whenever I feel like, because these are not like one day art or something. So sometimes I feel like making something in after months or two. Like, अच्छा. So then I feel like okay, let me give some time to my painting, and then I make all these. आपका मूड स्विंग होता है बहुत ज्यादा. कैलकुलेट करते करते मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, लॉगरिथम्स वगैरह करके आपको जब मन करता है चलो मुझे लग रहा है PhD में सबसे ज्यादा आपकी जो मूड स्विंग है ये वाला है. इतना पढ़ने के बाद आदमी जब कुछ अच्छा होता है तो शांति मिलती है. तो ये आप बचपन से करती आ रही है? कहाँ आप इंडिया से हैं? हाँ, मैं इंडिया से हूँ. मैं दिल्ली से हूँ. आपके घर में कोई इंस्पिरेशन? हाँ, मम्मी डैडी? पापा करते थे. लाइक ही यूज्ड टू, लाइक हिज राइटिंग इज वेरी गुड, ही ड्रॉज वेरी गुड. सो पापा से मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला है. एंड आई थिंक लाइक मैं बचपन से थोड़ा बहुत करती थी, बट इट्स नॉट लाइक एट अ वेरी बिग स्टेज. सो आई हैव पार्टिसिपेटेड इन ड्रॉइंग कॉम्पिटिशंस ऑन ऑल दीज थिंग्स. बट देन यहाँ आने के बाद मुझे लगता था कि टाइम स्पेंड कहीं और भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, अपार्ट फ्रॉम लाइक व्हाट यू डू इन स्टडीज. सो व्हेन आई फील लाइक मूड चेंज करने के लिए ओके डू समथिंग, ये चीज़ें. मैं आपके पेरेंट्स की तारीफ करूंगा कि जिन्होंने अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना के एक आर्टिस्ट बनाया है. पहले मैथमेटिशियन आई वुड से, देन आर्टिस्ट तो साइड. अच्छा. लेकिन आप कंटिन्यू करना चाहेंगे डेफिनेटली. कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग बनाने में? जो आपने मूड, आपके पहले तो मूड बनना चाहिए. उसके बाद बनना चाहिए. तो मैं अगर मूड के अकॉर्डिंग बनाती तो मैं कोशिश करती मेरा एक ही दिन में बनती है, क्योंकि यू कैन सी ऑल माय पेंटिंग्स आर वेरी स्मॉल. सो इफ आई बी मेकिंग बिग वंस देन दैट वुड टेक मोर टाइम. बट आई थिंक ऑल दीस हैव टेकन लाइक वन डे. आई मीन आई वुड से 4 to 5 hours मैक्सिमम. सो दिस वन हैज टेकन 5 hours, दिस वन हैज टेकन 3 to 4 hours.
But yeah, like, I mean, I just keep one day for a painting. Like, when I'm in the mood, one day I'm working. So, first time you came to art exhibition? This is my first time. This is I never thought of, like, selling. And won't be the last time. Yeah, maybe. Like, maybe if I feel like doing it again, like, I will start doing it. And you got a price tag on your paintings? I have, because I heard, like, people are selling it here, so why not put mine as well? Bilkul, kyun nahi? मनी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ऐसे लगे रहिए, पेंट करती रहिए और अपने मूड स्विंग को कंट्रोल में रखिए. या और मूड अच्छे अच्छे मूड में आइए तो और पेंटिंग्स बनेंगी. आपके फैंस यहाँ फैन फॉलोअर्स हैं, इनसे बात कर लेते हैं. अपना अपना नाम बता दीजिए. हेलो, आई एम सौम्या. सौम्या. श्याम. अनीश. गोविंद. गोविंद, आप सब हिमानी के फैंस हैं? हाँ. या पेंटिंग के फैंस हैं? फ्रेंड्स. तो अच्छा, इनको इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन की जो बात कर रहे थे, आप लोग भी इंस्पायर करते हैं या बोलते हैं कि यार क्या फालतू चीजें पे लगी हुई हो, पढ़ाई लिखाई करो, पैसे कमाओ? ऐसे नहीं बोलते. क्या क्या? वी डेफिनेटली सपोर्ट हर. सपोर्ट हर. एंड शी इज स्टार्टेड, बट या शी इज डूइंग वेल एंड वी वांट हर टू कंटिन्यू. या Hopefully she will make much better paintings. आप लोग इंस्पायर नहीं हुए इनके साथ रह रहे के? पेंटिंग करने नहीं, because we are not good painters. अच्छा. तो it's interesting that you took up a hobby and made it, मतलब अच्छा time का utilization. आप लोग as a family members भी हो, कौन इनका mood खराब करता है जो painting करने लग जाती है? Because वो बोलते हैं. Yeah, it could be me. मैं तो कहूंगा कि और भी मूड खराब कीजिए, इसके अंदर से और आर्ट वर्क निकलेगा बाहर. इमानी, इज़न्ट इट? चलिए, लगे रहिए. टेक केयर. बाय बाय. ये देखिए, बढ़िया कथकली. अरे वाह, लॉर्ड कृष्णा, ब्यूटीफुल लॉर्ड कृष्णा की एक और पेंटिंग. और ये मुझे लग रहा है मैं जू में चला गया हूँ एकदम. वाह. और इसके कर्ता दर्ता हमारे साथ रतीश भाई हैं. रतीश जी, ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन. आपको मैं कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आप इतने बढ़िया आर्टिस्ट हैं. एंड गुड टू सी द ओनली मेल मेंबर हियर. जो बाकी सब मैंने वुमेन के मैं देखा कि वो पेंटर्स हैं, लेकिन एक आदमी भी पेंट कर सकता है. आप अपने पेंटिंग के बारे में कुछ बताते जाइए. कैसे इसमें बड़ी मेहनत लगी है इसमें? दिस वन इज कॉल्ड म्यूरल पेंटिंग, सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ पेंटिंग्स इन द टेंपल, द एंशिएंट टेंपल इन इंडिया. हां. इट टुक लाइक 6 टू 8 मंथ्स टू फिनिश द जॉब. एंड 6 टू 8 मंथ्स? या, आफ्टर द जॉब, नॉट लाइक कंटीन्यूअसली, लाइक 6 to 8 months. This one is like older, like acrylic paints. So this one maybe like 2-3 months. 2-3 months? Yeah. After they go like 1 hour, 2 hours. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है. जनरली आप भगवान की पेंटिंग्स बनाते हैं या जैसे मैं देख रहा हूँ लॉर्ड कृष्णा है, कथकली है, लेकिन ये सडनली आपके अंदर ये क्या भावना आई? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू? लाइक आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस वन. सो इट्स कॉल्ड मदर्स लव. मदर्स लव. अच्छा, क्या बात, वेरी नाइस. और बाकी दिस वन इज आल्सो म्यूरल. It's on paper, like it's done it in a, like, you know, art paper. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आप फुल टाइम जॉब में हैं, फिर टाइम कैसे निकलता है आपको? क्या मतलब? It's like I use like half an hour, 1 hour for painting. Yeah. Every day. बीच में अगर आपको बीवी बुला लेती है कि बर्तन दो, कपड़े दो, खाना बनाओ, समथिंग, तो आप डिस्टर्ब होते हैं या बोलते हैं नहीं मुझे छोड़ दो? A good supporter. Yeah. So that's why I can do all this. Very nice. Yeah. आपके घर में फैमिली मेंबर्स, आर दे आल्सो इन्वॉल्वड? Yeah, sometimes my wife will help. Wife भी बता. बच्चे? Yeah. They also in there. They, he won't do the painting, but he's also supporting me. आप लगे रहिए, पास इट ऑन टू योर जनरेशन, बहुत जरूरी है, बिकॉज सच ए आर्ट हैज टू बी केप्ट अलाइव. चलिए रतीश भाई,
आपसे बात कर, और आप तो अच्छे दोस्तों, ये तबला वादक भी हैं. I've seen him in the music concerts. All the best. लगे रहे. टेक केयर. देखिए हमारे साथ वासु जी हैं, नीना जी हैं, आपके बच्चे गायब हो गए. कैसा लग रहा है आपको आर्ट एग्जीबिशन? बहुत बढ़िया. इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जीबिशन ऑफ द लोकल आर्टिस्ट. ऑल द पेंटिंग्स आर रियली रियली गुड. पीपल शुड कम एंड दे डेफिनेटली शुड हैव अ लुक एंड दे शुड बाय. एनकरेज द लोकल आर्टिस्ट. बिल्कुल. अभी तक कौन सी आपको पेंटिंग अच्छी लगी? वेल, आई विल गो फॉर ऑल द पेंटिंग्स बाय रेशमा. दे आर रियली नाइस. रेशमा की जो पेंटिंग है या हाँ, ये बड़ी अच्छी. दिस वन इज वेरी नाइस. ऑल ऑफ देम आर गुड. ऑल ऑफ देम आर गुड. बिल्कुल बिल्कुल. आप पेंटिंग करते हैं? आई पेंट एट होम ऑल द टाइम. नीना जी, आप करती हैं? मैं नहीं करती हूँ. बचपन में करती थी, अब नहीं करती. लेकिन कोविड का जमाना है, लॉकडाउन का जमाना है, आपके अंदर आर्ट निकालिए. ब्रश, कैनवस. निशा बहुत अच्छा करती है. निशा कहाँ गई? उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है. शी इज रियली गुड इन पेंटिंग. उसको एनकरेज कर रही हूँ अभी मैं. क्या बात, लगे रहिए. ऑल द बेस्ट, एंजॉय. व्हाट्स योर गुड नेम? टाइटस. 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 अजमल. अजमल. शैजू. शैजू. It's a different experience for you know for Canberra Malayalis Association. I think this is the first initiative we have been going through. And before that, our artists never get a chance to exhibit or display their works. So we are so impressive and proud of our colleagues and Malayali, fellow Malayalis, because we never expect this much of ample talent within us. So hats off to all the absolutely all the artists. They are all hidden gems. Yeah, never seen exactly. them before. Yeah, the first time. I've come like across professional yeah, yeah. You should have more often. I think we have plenty of other artists as well. They thought it like this is just like a casual stuff, but once we came here we realized that this is not like a casual kind of stuff. This is highly professional and all of them are superb. Did you buy any painting? We are planning. Yeah, okay. Not yet. Yeah. All the best, enjoy your weekend. Stay safe. देखिए अभी लोगों से बात करते हैं, रोशन जी मिलाते हैं. हमारे साथ few guests हैं. What's your good name? Sanu. Yeah. Usha. Usha जी. What did you like the best out of the one out there? Yeah. I think everybody is pointing there. Yeah, yes. We didn't see it close, but we saw it from far. It looks very real. But I think all pictures are amazing. Good talent. Man. We didn't know that our people are so talented. Absolutely, yeah. They're all hidden gems in Canberra, isn't it? Yeah. We haven't seen them before. So do you guys also love art? Do you paint? Yeah. Daughters there? Yeah. She hasn't got, has she got a stall here? No. Maybe next time. Yeah. All the best. Thank you. Thank you. You'll have many, many opportunities coming in, I'm sure. Thank you. We're going to have a yoga session here. So if anybody, I request all of them to participate in that. So it's a free yoga session by our Kartika, who is a very experienced teacher. And she will help you to get into the world of yoga, which you have been missing if you have not done. It's actually a great world. So please join us as well. After that, this will probably continue. So thank you all for coming in, and we'll continue this journey. Thank you. You have very good. But that's okay. If you've done any beginner's form of yoga, that's all I know. Any injuries that I need to know about? Any injuries? Any on your tendons? Okay. On your leg? Okay. If there's any other injuries or health conditions that I need to know about, comfortable in whatever cases you are. Yes. I understand nobody has a yoga mat. That's all right. I usually prefer everyone bring the yoga mat because sometimes there are asanas which will stretch, slip, your palms will slip, so yoga mat gives you
that we can grip. Anyways, let's begin. Come to the beginning of your mat. So whatever. Stand with your palms in front of your heart chakra, feet together. Okay, close your eyes, back straight. Close your eyes, back straight, shoulders relaxed. Eyes closed. Please close your eyes, relax. Deep long breath in. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Now this is not a religious practice, it is a spiritual practice. So I request everyone to chant Omkara 3 times with me. If you do not wish to chant Omkara, that's alright. Close your mouth and hum. Inhale. Back straight, Vajra. Sit in Vajra.